हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फिर तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बजट की पाठशाला एपिसोड 2 में कितना अमाउंट कौन से सेक्टर में जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू अपडेट जो कि सामने आ रहा है बजट की पाठशाला में। तो फ्रेंड आज की टॉपिक में हम कवर करेंगे कितना परसेंटेज, कितना फीसदी, कितना अमाउंट कौन से सेक्टर में इस बार जा रहे हैं बजट 2023-24 में। सारे डिटेल आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2022-23 और 23-24 में जो न्यू बजट आया है इसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को, हायर प्रोफाइल फैमिली को कितना बेनिफिट हो सकता है और यहाँ पर वित्त मंत्री ने क्या क्या न्यू अपडेट किए हैं, वो सारे डिटेल आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में टिल एंड तक, लेना करके वीडियो को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पर बजट की पाठशाला में यहाँ पर आवंटन के बारे में आज हम बात करेंगे कि कितना फीसदी कहाँ पर यहाँ पर बजट की जो अमाउंट है वो डिवाइड हो रहा है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर बजट में क्या होता है आवंटन, देखिए आवंटन का मतलब ये है कि अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग तय किए जाने वाली रकम यानी कि अमाउंट। तो इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे योजनाएं और दूसरे कामकाज के लिए मिलती है ये रकम, तो इसमें यहाँ पर केंद्र सरकार हर साल बजट में आवंटन करती है ये रकम को। तो ये अधिकतम रकम है जैसे विभाग खर्च कर सकते हैं। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर ब्याज चुकाने, मतलब ब्याज चुकाने में जाके यहाँ पर 20% यानी कि भारत सरकार यहाँ पर कुछ ब्याज चुकाएंगे जो आउट ऑफ कंट्री से कुछ अमाउंट्स पहले लिए थे या उसके बाबत में कुछ चुकतीनामा हुआ था उसमें 20% यानी कि 20% पैसा यहाँ पर खर्च होगा। उसके बाद यदि यहाँ पर मैं बात करूँ फ्रेंड्स 15% रकम आपका सेंट्रल सेक्टर में आवंटन किया जाएगा यदि मैं बात करूँ यहाँ पर। उसके बाद 17% यानी कि 17% हिस्सा राज्यों की कर और शुल्कों में हिस्सेदारी बढ़ा जाएगा। उसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 80% पेंशन पर 4% खर्चा होगा, ठीक है, डिफेंस पर 8% और पेंशन पर 4% यहाँ पर खर्चा होगा। केंद्र यहाँ पर यदि बात करेंगे केंद्र चलाने जाने वाली रकमों पर 9% खर्चा रहेगा 2022-23 में। रक्षा पर खर्चा होगा 3.85 लाख करोड़। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कहाँ पर कितना खर्चा होगा, तो पेट्रोल पर जो खर्चा होगा वो 1.05 लाख करोड़ है। फूड एंड सब्सिडी में 2.0 लाख करोड़ रहेगा। पेट्रोल पर 5,813 लाख करोड़ खर्चा होगा। शिक्षा पर सरकार का खर्चा होगा 1.04 लाख करोड़। ग्रामीण विकास पर 2.06 लाख करोड़ खर्चा होगा। और उसके बाद हेल्थ पर 86,606 करोड़ यहाँ पर खर्चा होगा। तो ये कुछ प्राइसेस था कुछ कुछ सेक्टर में क्या क्या अमाउंट खर्चा होगा। फ्रेंड्स ये बजट अमेंडमेंट की कुछ कुछ अपडेट था, आगे हम बात करेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक लेके वॉचिंग वाईटी मनोज कुमार।